हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एफ ए थ्री में आने वाले चैप्टर्स नंबर 8 और 9 है उसका रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 40 शब्दार्थ, जो कि चैप्टर नंबर 8 व्यायाम उसका है। तो देखते हैं शब्दार्थ। संसारे इन वर्ल्ड अद्य टुडे विद्यते इज सततम कंटिन्यूअसली उत्थाय स्टैंडिंग अप निवृत्य डू सुष्ठु राइट स्फूर्ति फ्रेशनेस हस्तकंदुक क्रीडनम वॉलीबॉल पृथक सेपरेट बुद्धि ही नॉलेज आचरेत फॉलो खलु अनडाउटेबली कर्तुम न शक्नोति कांडु मध्ये बिट्वीन जीवितुम टू लिव किंचिदपि अ लिटल बिट रक्षितुम टू सेव यथायोग्यम एज इट इज बहव्यः सो मेनी संचायते बिकम्स आकर्षक एट्रैक्टिव पादकंदुक क्रीडनम फुटबॉल गात्रस्य ऑफ बॉडी प्रवर्धन्ते ग्रो अप संपादने टू कंप्लीट शरीर माध्यम बॉडी फर्स्ट। पेज नंबर 41 क्वेश्चन 1 दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनकर लिखिए। एमसीक्यूज है तो देखते हैं क ध्रा प्लस त्वा तो उसका आंसर है ध्रात्वा। ख त्रु प्लस तुमुन तो आंसर है तरितुम। ग उप प्लस गम प्लस ल्यप तो उसका आंसर है गम्य। क सम प्लस भू प्लस ल्यप तो उसका आंसर है संभूय। और क्वेश्चन 2 है कि त्वा तुमुन प्रत्यय लगा कर नया शब्द बनाना है तो बनाते हैं धातु प्लस त्वा तुमुन पच प्लस त्वा पक्तुम लिख प्लस लिखित्वा लिखितुम पठ प्लस पठित्वा पठितुम त्रु प्लस तितरवा तरितुम पा प्लस पित्वा पातुम क्रु प्लस कृत्वा कर्तुम। अब ये क्वेश्चन 3 है एट द सफिक्स ल्यप एज गिवन इन द एग्जाम्पल उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू शब्द सम प्लस रक्ष प्लस ल्यप मीन्स संरक्ष निर प्लस गम प्लस ल्यप निर्गम्य सम प्लस दृश्य प्लस ल्यप संदृश्य प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय प्र प्लस आ प्लस ल्यप प्राप्य। पेज नंबर 42 फिल इन द ब्लैंक्स तो उसमें देखते हैं जीवितुम शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते। ख दैनिक क्रियाभ्यः निवृत्य व्यायामं कुर्यात्। ग सर्वेषां जनानां यथायोग्यम अभिवादनं कृत्वा वार्तालापं करोतु। क छात्रजीवने तु व्यायामः परम आवश्यकः अस्ति। लास्ट में है व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। क्वेश्चन 5 में है मैच द कॉलम्स तो उसमें है निर्गम्य तो निकलकर उपगम्य पास जाकर प्राप्य प्राप्त करके प्रणम्य प्रणाम करके संपच्य पकाकर संरक्ष्य रक्षा करके। क्वेश्चन 6 आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 वर्ड तो उसमें है पहला क प्राणीनाम मध्ये कः श्रेष्ठः अस्ति मानवः। ख जीवितुं का आवश्यकी विद्यते आंसर है शरीर रक्षा। ग व्यायामस्य कति भेदाः सन्ति आंसर है बहवः। क व्यायामेन कस्य शुद्धिः भवति आंसर है रक्तस्य। लास्ट में है छात्र जीवने किम आवश्यकम अस्ति आंसर है व्यायामः। क्वेश्चन 7 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन संस्कृत यूजिंग सफिक्सेस वो अभी हमें नहीं करने हैं इसलिए नहीं करते हैं। और क्लासवर्क में जो एक्सरसाइजेस है इंग्लिश में क्वेश्चंस आंसर्स है राइट रॉन्ग है वो आपको करने हैं। अभी लेसन 9 देखते हैं। आज
आत्मावलंबनम जो कि एक लेख है, तो उसमें से हम करते जिसमें आपको 1 to 50 तक का नंबर्स याद रखना है और उसमें जो यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं वो भी हमें करने हैं। तो हम देखते हैं कि वो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। तो सेंटेंसेस एकह बालकह खादति, श्रेया एका शोभना बालिका अस्ति, एकम शोभनम पुष्पम अपतत, द्वौ अश्वौ धावतः, द्वे महिले भ्रमतः, द्वे पुस्तके स्तः, त्रयः गजाः गच्छन्ति, तिस्त्रः शिक्षिकाः पाठयन्ति, त्रीणि वाद्ययन्त्राणि सन्ति, चत्वारः खगाः उड्डयन्ति, चतस्त्रः कन्याः क्रीडन्ति, चत्वारि क्रीडनकानि सन्ति, पंच वानराः, षड् नक्षत्राणि, सप्त लेखन्यः सन्ति, अष्ट पत्राणि, नव ग्रहाः सन्ति, दश पुस्तकानि सन्ति। तो आपको 1 to 50 नंबर्स भी याद रखने हैं। पेज नंबर 46 शब्दार्थ, आस्ताम टू वेर, प्रकोष्ठेषु इन रूम्स, द्वाराणि डोर्स, दीपदंडाः ट्यूबलाइट्स, पादपाः प्लांट्स, अष्टवादने 8 o'clock, भवताम ऑफ यू ऑल, वृत्यः सर्वंट, पादौ टू लेग्स, उपस्थातुम टू बी प्रेजेंट, तदा तेन, जाता हेपन, अधुना नाउ, मेलिष्यावः विल मीट, सामान्यः ऑर्डिनरी, विद्युत व्यंजनानि इलेक्ट्रिक फैंस, गवाक्षा विंडोज, वातानुकूलानि एयर कंडीशनिंग, अहर्निशम डे एंड नाइट, स्वशक्ति फ्रॉम इट्स पावर, पश्यामि आई सी, कर्मकाराः वर्कर, कर्णौ टू इयर्स, न शक्नुवन्ति आर नॉट एबल, मनसी इन वन हार्ट, संप्रति नाउ, स्वह टुमरो। अभी नीचे लिखित में MCQs है, क्वेश्चंस आंसर्स। तो फिर हम देखते हैं, क उद्याने द्वौ वृक्षो स्तः, ख एकः कुकुरः क्षेत्रे धावति, ग तिस्त्रः कन्याः नृत्यन्ति, घ नवानि गृहाणि सन्ति। क्वेश्चन टू है, करेक्ट सेंटेंसेस गिवन बिलो, जिनमें हम सिर्फ आंसर ही देखेंगे। गजस्य चत्वारः पादाः सन्ति, अहम एका कन्या पश्यामि, उद्याने तिस्त्रः बालिकाः क्रीडन्ति, तिस्त्रः चटकाः उड्डयन्ति। नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, अत्र चत्वारः बिडालाः सन्ति, मम हस्तयोः दश अंगुल्यः सन्ति, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, ऋतवः षड् भवन्ति। अभी क्वेश्चन 5 में है, राइट दिस आंसर्स इन संस्कृत, लेकिन आपको तो 1 to 50 में सभी नंबर्स लर्न करने हैं। देखते हैं, 30, 30, 45, पंच चत्वारिशत, 25 पंचविंशतिः, 36 षट्त्रिंशत्, 47 सप्तचत्वारिशत्, 28 अष्टविंशतिः, 18 अष्टादश, 23 त्रयोविंशतिः। क्वेश्चन 6 है, मैच द एडजेक्टिव्स विद द नाउन्स, जिसमें हम देखते हैं आंसर्स। एका जिह्वा, द्वे नेत्रे, द्वयोः हस्तयोः, एकस्य मुखस्य, एकः पादः। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस लेसन में भी जो हमने वो एक्स्ट्रा इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर्स करवाए वो, फिर टिक राइट और रॉन्ग और हु सेड टू हिम, सभी आपको करना है। तो अच्छी तरह से करना, ट्रांसलेशन अभी इस वक्त नहीं आएगा। ओके,